ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं। बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए, मूर्छित हो गए थे, माया ने हमें मूर्छित कर दिया, बाबा सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं। उत्तर है मन मनाभव, अर्थात बाप को याद करो, नशा रहे। परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कौन सा नशा रहे कि भगवान द्वारा हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो देवता पद अर्थात राज्य पद पाने के लिए। तो यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। जो माया ने बेहोशी ले आई थी, माया जीवन में मूर्छित कर दिया था, बाबा कहते अगर ये स्मृति रहे कि हम भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं देवता पद पाने के लिए और भविष्य राज्य पद पाने के लिए, तो बाबा ने कहा ये सुरजीत कर देती है ये स्मृति। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती, वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। जिनको ये स्मृति रहेगी वो मुरझा नहीं सकते, सावधान करते रहेंगे दूसरों को भी, तो बाबा ने कहा अपनी भी जांच करेंगे। ओम शांति। ये कॉलेज है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं, कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं। वह भी बुद्धि में है, सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहाँ कोई एम नहीं रहती। लेकिन बाबा ने कहा इस स्कूल में हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा यहाँ पर लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं, तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा तो बुद्धि में यह याद रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स को बुद्धि में रहता है कि हम ये इम्तिहान पास कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुम्हारी भी स्मृति में रहे, उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी आओ जाओ तो बाबा ने कहा ये स्मृति में रहे कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना, हम रूह हैं इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है यह शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे, उनको देवता कहा जाता है, यह तो विकारी पतित शरीर है। हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं, देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। यह घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। घड़ी घड़ी ये बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, तो बाबा ने कहा फिर इससे खुशी भी रहेगी और पुरुषार्थ भी होगा। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे, सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। अगर हमारे जीवन में खुशी है तभी हम दूसरों को खुशी का संदेश सुना सकेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत हैं, सब स्टूडेंट लाइफ में हैं, ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। बाबा ने कहा वो भूलती नहीं है लाइफ, तो यह कोई समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी नरकवासी हैं, हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को सारा दिन यह नशा रहता नहीं है, कौन सा नशा कि हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, हम ही देवता थे। बाबा ने कहा ये नशा रहता नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। भल तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी
भूल जाता है। अपने का बताते भी हैं, दूसरों को ज्ञान भी सुनाते, फिर भी भूल जाते हैं। तुम जानते हो यह है हमारा हेड स्कूल। कौन सा हेड स्कूल है? मधुबन। यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है, बाहर का कोई दुनिया का काम नहीं है। जब हम बाबा के पास जाते हैं तो वहाँ सिर्फ हमारा एक ही काम होता है, पढ़ना, क्लास में जाना। तो बाबा ने कहा यह हेड स्कूल है, कोई गोरख धंधा नहीं। बाहर जाने से धंधे धौरी में लग जाते हैं तो यह याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश कर, टाइम निकालना चाहिए, बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से ततो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को याद करना है, धंधे में भी फ्री टाइम तो मिलता है ना, सारा दिन तो ग्राहक नहीं आते हैं, सारा दिन तो काम नहीं रहता। बाबा ने कहा वहाँ भी समय तो मिल जाता है। बुद्धि में यह याद कोशिश कर लानी चाहिए, उनसे याद लानी चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो यही है, बाबा जो हमें अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो हम अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यही हमारी भविष्य 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, इस कमाई को करने के लिए बुद्धि भी अच्छी चाहिए। अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है घर, बाबा हमको लेने आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगारती है ना, ऐसे उगारना है, अर्थात चिंतन चलता रहे। यह आत्माओं के लिए भोजन है, जो ज्ञान हम बाबा से सुनते हैं यह हमारी आत्माओं के लिए भोजन है। यह याद आना चाहिए हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए यह जरूर याद करना है। अपनी दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना भी अच्छा मीठा नहीं लगता है। मान लो कोई शिक्षा समझानी दे, अंदर में कोई हलचल है, बुद्धि खिटपिट में है, किसी ना किसी प्रकार के कोई संकल्प चल रहे हैं, तो बाबा ने कहा किसी की शिक्षा समझानी भी फिर अच्छी नहीं लगती है। तो बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वह दवाई भी लगेगी नहीं, गुटके खाते रहेंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना है। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहें, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं हमको यह बातें याद कराना। कई बार बड़े जो ऑफिसर होते हैं वो अपने सर्वेंट को कहते हैं कि ये काम आज मुझे करने हैं तो आप याद करा देना। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम बच्चे भी एक दो को याद कराते रहो, शिव बाबा याद हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है, बाप को याद करने से पाप कट जाएगा। यह बड़ी समझने की बातें हैं। पुरुषार्थ करना है, जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो, हम भी सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भी अगर ऐसा कोई उल्टा काम नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठौर ना पाए, अर्थात ऊंच पद पा ना सकें। अगर हमने भगवान की निंदा कराई कोई उल्टा सुल्टा कर्म करके, तो बाबा ने कहा फिर कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्री मत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं,
पहली पहली मत है बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा की पहली पहली श्रीमत बाप को याद करना है और कोई विकर्म नहीं करने। बाबा, बच्चे पूछते हैं कई बार बाबा से, बाबा कौन से विकर्म करता हूँ, तो बाबा तो सब बता सकते हैं, बाबा को तो मालूम रहता है। परंतु सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का, जास्ती झगड़ा भी उस पर होता है। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है यह राजाई प्राप्त करने का, जो परमात्मा के सिवाय कोई भी पढ़ा ना सके। बाबा ने कहा जितने भी दुनिया में इम्तिहान हैं, बच्चे जो भी स्टूडेंट्स इम्तिहान पास करते हैं, उन सबसे बड़ा इम्तिहान है जो भगवान हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और मनुष्य से देवता बनना है ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता। शिव बाबा स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं, कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। गाया हुआ भी है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा। अब बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। जो हमारे पापों का घड़ा भर गया है ना, 63 जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो बाप की याद से ख़त्म करने हैं। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच चढ़ते हैं, चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकना चूर। विकार में गिरा, हरकती दी, तो बाबा कहते एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। जैसे कोई पहाड़ से नीचे गिरे तो खाई में गिर जाएगा, तो हड्डी हड्डी चूर हो जाएगी ना। तो ऐसे बाबा ने कहा, बाबा का बन करके चलते चलते अगर विकार में गिर गए तो बाबा ने कहा वही हालत हो जाएगी। कहते हैं मात पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ, जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है। इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ। बाबा ने कहा अगर मेहनत नहीं की, लास्ट में अगर पेपर में पास नहीं हुए तो फिर रह गए सो रह गए। ऐसे ना हो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो, अंधों की लाठी बनो। बाबा ने कहा अंत में पछताना ना पड़े, उससे पहले मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अंधों की लाठी बनो, रहम दिल बन करके अन्य आत्माओं को भी बाबा का परिचय दो। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते, रूप बसंत मिसल मुख से रतन ही निकलें। धोती नहीं बनना है। बाबा धोती किसको कहते हैं, जो एक दो की निंदा गलानी करते हैं, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो यह धोती है, उनसे संभाल रखनी है। ऐसी आत्माओं से, ऐसे भाई बहनों से बाबा ने कहा संभाल रखनी है, ना बुरा सुनना है और ना ही किसी को बुरा हमने बोलना है, धोती पना नहीं करना। अच्छा, अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का मुख्य सार है,
पहला पॉइंट है अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। बाबा ने क्या बताया, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है, कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। दूसरा पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है और मन वचन कर्म से पवित्र भी रहना है। वरदान है पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो बाबा कह रहे हैं पावरफुल दर्पण, हमारा जीवन ऐसा दर्पण हो जिससे हमारे चित्र से दूसरों को बाबा का चरित्र दिखाई दे, तो ऐसा हमारा जीवन हो जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देगा, पतला दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा। अरे दर्पण ठीक नहीं है, कई दर्पण होते हैं ऐसे जिसमें सामने जाओ तो कोई टेढ़ा बांका या मोटा पतला ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन बाबा भी हम बच्चों को क्या कह रहे हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा अच्छा दर्पण हो जिससे हम बाबा का साक्षात्कार करा सके अपने जीवन के द्वारा। तो इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही वो देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए, आत्मिक स्वरूप का उनको साक्षात्कार करा दें, वो अपने देह को भूल जाए, आत्मिक रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। जब हम अपने जीवन रूपी दर्पण से स्वयं का साक्षात्कार कराएंगे, बाबा ने कहा यह सेवा विशेष सेवा है, तो इसी से जय जयकार होनी है। स्लोगन है शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। बाबा ने जो शिक्षाएं हमें दी हैं उनको अपने जीवन में धारण करना, जीवन में उतारना, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।